कांग्रेस अब धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है जिसका आगाज आज होने जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से यात्रा कहाँ कहाँ कैसे निकलेगी? आज ये रायबरेली अमेठी राहुल जी और प्रियंका जी आदरणीय सोनिया जी आ रहे हैं। आज वहाँ से आभार ये व्यक्त करते हुए आज रायबरेली अमेठी, उसके आगे ये पूरे 403 विधानसभा और 80 लोकसभा में ये आभार और धन्यवाद यात्रा निकले। मोहन भागवत के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है? देखिए, मोहन भागवत और बीजेपी एक चने के दो दाल हैं। जो मोहन भागवत ने मोदी जी को सिखाया है, मोदी जी वही काम कर रहे हैं। मोदी जी उसी को क्रियान्वयन ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, नीट के एग्ज़ाम को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? अब नीट का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा है। बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। जिनको एग्ज़ाम में आना चाहिए था बेचारे वो नहीं आ पाए, जिनको अच्छा नंबर मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, जो कम नंबर वाले थे वो ज़्यादा नंबर पा गए। पूरी तरीके से असंतोष व्याप्त है, कोई भी बच्चा कोई भी परिवार खुश नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर धन्यवाद यात्रा कांग्रेस निकालेगी, और जिसका आगाज आज राहुल गांधी जी रायबरेली में भुआ मऊ से कर रहे हैं, और ये पूरे प्रदेश में यात्रा निकलेगी। क्या पसंद निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।